अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर ने पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को करवाने की मंजूरी दे दी। इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ की गई थी। तजवीज़ के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी। अगर हम हुकूमत में ना आते तो इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर देना था। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि इमरान की टांग नहीं दिमाग में भी मसला है, हकायक से हटकर बात करते हैं। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट करे। गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। बाबर ऐवान का कहना है कि शहबाज शरीफ और हुकूमत लिख कर दे कि इमरान खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार वो होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी के अहलकारों को किसने हटाया। फवाद चौधरी की फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से दो जजेस की राबता कराने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर मुमलिकत को ख़त अरसाल किया था, जिसमें सूबा पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ की गई थीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें मेम्बरान कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख के इंतखाब के बाद आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक सदर मुमलिकत ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला अरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब का मुंतजर है। इलेक्शन कमीशन के पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द अमल दिया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से फवाद चौधरी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के लिए तजावीज़ दी। PTI रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को सराहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत को पंजाब में इंतखाबात के लिए तजावीज़ दी हैं, जिनके मुताबिक 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम को खुश आमदेद कहता हूं। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल खराब जरूर है, लेकिन ना हम दिवालिया हुए और ना होंगे। इमरान खान जो कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन मईशत का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि कल से बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, आज दो बदो बात कर लेते हैं। आज इमरान न्याजी को आईना दिखाऊंगा। मुल्क की मईशत का बेड़ा तो न्याजी साहब गर्क कर चुके थे,
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान की टांग में ही नहीं दिमाग में भी मसला है। इमरान खान को लाने वाले जनरल बाजवा ने भी मान लिया कि अगर इमरान खान की हुकूमत मजीद रहती तो पाकिस्तान ना रहता। इमरान खान हकायक से हट कर बातें करते हैं। PDM का हुकूमत लेने का फ़ैसला काबिल सताइश है। सब कहते थे हुकूमत लेने की गलती की, खान को चलने देते। वजीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क की मौशी सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, लेकिन ना हम दिवालिया हुए और ना होंगे। इमरान खान जो कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन मईशत का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया। इसहाक डार का कहना था कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। इमरान खान को अपने इक्तदार के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की सोच रखने वाले अपने मफाद रखते हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। अल्लाह के फजल से ना दिवालिया हुए ना होंगे। इमरान खान के वजीर ख़जाना डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट की रट लगाते हैं। इमरान खान अपना माजी का रिकॉर्ड देखें। वजीर ख़जाना ने कहा कि इमरान खान का तर्ज अमल इंतहाई खुद गर्जाना है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना ही डिफ़ॉल्ट होगा। जो इमरान खान को लाए और तहफ़ दिया, आज वो भी गलती मान रहे हैं। इस वक्त हम 2018 में शुरू होने वाली तबाही से ही गुजर रहे हैं। फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज़ खत्म, ये टूट जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रहमान ने कहा है कि हमारे पास ताज़ा इत्तला और ठोस शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर ऐमान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि हमारे पास ताज़ा इत्तला और ठोस शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है और एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। उन पर एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाइल देते हुए बाबर ऐवान ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अंदर सिक्योरिटी के अहलकारों को किसने हटाया? गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान की जान लेना चाहती है। इत्तला है कि इमरान खान को घेर कर कचहरी बुलवा कर कत्ल किया जाएगा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। इमरान खान ने भी दो बार दोहराया कि उन पर हमला होगा। वजीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ। हुकूमत ने दो मौकफ इख्तियार किए कि इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमला करने वालों को वीडियो लिंक से पेशी की इजाज़त मिल सकती है, तो इमरान खान को क्यों नहीं? शहबाज शरीफ और हुकूमत लिख कर दे कि इमरान खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार वो होंगे। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि अहमद नियाजी इमरान खान की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से महरूम करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। इमरान खान पर इसरार किया जा रहा है कि वो अदालत हाजिर हों। ये तमाम पर्चे इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद कचहरी में अंधे कत्ल हुए और कचहरी महफूज नहीं है। एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के इंचार्ज ने कहा है कि उनके पास इतला है कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। ये रिकॉर्ड पे है, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपको उसकी शहादतें, जो सर्कमस्टांशियल वाकयाती शहादतें, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं तरतीब के साथ। पहली शहादत मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी शहादत यह है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तन्हा कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई, जबकि फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, जबकि फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दिया है। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से दो जजेस में राब्ता कराने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं उनको जरा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी एडवोकेट से कहा कि मेरी जाती तजवीज़ यह है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तगासा कराएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि इन पर प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी बोले कि मैं सुबह कर लेता हूं, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अपने मुतालिक ऑडियो को जाली करार दिया और कहा कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, इस ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस
लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का भी कभी नहीं कहा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।